नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आम आदमी को राहत, FMCG कंपनियों ने घटाए साबुनों के दाम। कच्चे माल की कीमतें घटने से साबुन के दामों में 5 से 11% की कटौती की है। रेवड़ियां बांटने की चुनावी रणनीति टाइम बम की तरह, फूटा तो संबंधित राज्य की अर्थव्यवस्था भरभराकर गिर जाएगी। सीएम स्टालिन ने प्लास्टिक सिगरेट लाइटर आयात पर बैन लगाने की मांग। घरेलू माचिस उद्योग को बचाने का किया अनुरोध। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, नोएडा समेत 15 से ज्यादा जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मेट्रो स्टेशन और अन्य भीड़भाड़ वाली जगह पर जल्द ही मिलेगी ई बाइक सर्विस। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में लगे सीएम नीतीश कुमार। गठबंधन का केंद्र बनने की कांग्रेस की जीत बनी स्पीड ब्रेकर। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव, शशि थरूर का दावा, कुछ नेताओं पर खड़गे को सपोर्ट करने का दबाव। त्योहारी सीजन में अब दूध भी हुआ महंगा, ₹3 प्रति लीटर बढ़ी सुधा मिल्क की कीमत। मध्य प्रदेश में अब हर साल 30 अप्रैल तक होंगे शिक्षकों के तबादले, विभाग ने कैबिनेट से नीति मंजूर होने के बाद जारी किया आदेश। SBI ने होम लोन लेने वालों को दी बड़ी राहत, जनवरी 2023 तक ब्याज पर 15 आधार अंकों से 30 आधार अंकों की मिलेगी छूट। अमित शाह ने कहा, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय अनुशासन जरूरी। भारतीय मरीजों पर बेअसर हो रही एंटीबायोटिक दवाएं, ICMR के अध्ययन में सामने आई डरावनी तस्वीर। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट TU-160, दुश्मन चीन पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। दूसरे देशों में भी बिकेगा अमूल का दूध, सीधे किसानों के खाते में आएगा पैसा, सरकार तैयार कर रही है प्लान। चीन की कमर तोड़ने की तैयारी में यूरोपियन यूनियन, जबरन मजदूरी करवाकर बने चीनी उत्पादों पर लग सकता है प्रतिबंध। इंतजार खत्म, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं के 5 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट, फ्री इंटरनेट की सुविधा। पटाखों पर लगे बैन पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, दिल्ली NCR में नहीं हटाने वाले प्रतिबंध। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए केंद्र देगा 9,000 करोड़, असम को मिलेंगे 300 करोड़, सीएम शर्मा। चेक बाउंस किया तो नहीं खोल पाएंगे नया अकाउंट, सरकार करने जा रही है नियमों में सख्ती। राहुल का हमला, कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार, हर ट्रांजैक्शन पर 40% कमीशन, बिकता है हर पद। कोयला क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर जोर, केंद्र ने किए कई सुधार, कोयला मंत्रालय। गर्भाशय के कैंसर से बचाव वाली पहली स्वदेशी वैक्सीन नवंबर में होगी लॉन्च, 200 से 450 रुपए के बीच होगी कीमत। खड़गे का बड़ा वादा, मैं बना कांग्रेस अध्यक्ष तो पार्टी के 50% पदों पर 50 की आयु से कम के लोग होंगे काबिज। छत्तीसगढ़, गौवंशों को मिलेगा बेहतर इलाज, सभी जिलों में चलेगी मोबाइल मेडिकल यूनिट। सीएम केजरीवाल ने 31 दिसंबर तक माफ किया पानी का बिल, पुराना बिल देर से भरने पर फाइन भी नहीं लगेगा। कोरोना से बेहाल टूरिज्म सेक्टर के सामने नई परेशानियां, रूस यूक्रेन युद्ध और महंगाई से मिला झटका। अब व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकेंगे 1024 लोग, मौजूदा समय से दोगुनी होगी लिमिट। बीजेपी से परेशान गुजरात, चाहता है केजरीवाल मॉडल, बोले राघव आपकी लोकप्रियता बढ़ी। NGT ने जल प्रदूषण को लेकर केरल सरकार को लगाई फटकार, कहा प्रदूषण मानवता के खिलाफ अपराध। तेजस्वी यादव लेंगे हर फैसले, बड़े मामले में हर कोई नहीं बोलेगा, RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव का ऐलान। वायरल बुखार होने पर एंटीबायोटिक दवाएं ना ले, शरीर को पहुंचाती है नुकसान। चावल के निर्यात में 40-50 लाख टन गिरावट की आशंका, सरकार द्वारा निर्यात पर पाबंदी के फैसले से होगा बड़ा असर। मोपा ने केंद्र सरकार से खाद्य तेलों और तिलहन पर लगी स्टॉक सीमा हटाने की उठाई मांग। नरेंद्र मोदी चाय बेचकर PM बने और देश के युवा MBA करके चाय बेचने को मजबूर, तेजस्वी का तंज। त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे का मुसाफिरों को तोहफा, सीट मिलने में नहीं होगी कोई दिक्कत। भारत जोड़ो यात्रा, महाराष्ट्र में शरद पवार कर सकते हैं यात्रा का स्वागत, देंगे विपक्ष की मजबूती का संदेश। फटाफट खरीद ले सोना, कीमतों में हुई 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, चांदी भी कमजोर।
इन्फेंट्री बटालियन को मिलेंगे नए हथियार। चिनूक के लिए हेलीपैड, एलएसी पर सेनाओं के पीछे हटने के बीच बड़ा फैसला। लालू ने बीजेपी को बताया भारत जलाओ पार्टी, कहा बिहार से भगाया अब दिल्ली से भगाएंगे। व्हाट्सएप यूज करने के लिए चुकाने होंगे पैसे। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लाने की तैयारी, 10 डिवाइस पर चला सकेंगे ऐप। भाजपा ने बदली रणनीति, अब राज्यसभा सांसदों के कंधों पर होगी लोकसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी। टेंशन ना लो, मुस्लिमों की आबादी नहीं बढ़ रही है, धार्मिक असंतुलन पर ओवैसी का भागवत को जवाब। सुप्रीम कोर्ट गवाहों के बयान में देरी को लेकर सख्त, कहा 24 घंटे के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए स्टेटमेंट। अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा, जिस राज्य में बनेगी आपकी सरकार वहां कच्चे कर्मचारियों को करेंगे पक्का। अरहर और उड़द की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी, आगामी सीजन में कम उत्पादन से और बढ़ सकते हैं दाम। राजद ने चेताया भाजपा से लड़ाई में खुलकर सामने आना होगा, लगातार 12वीं बार निर्विरोध राजद अध्यक्ष बने लालू यादव। WHO ने जारी किए हेलमेट के इस्तेमाल संबंधी वैश्विक दिशा निर्देश, कम हो सकते हैं सड़क हादसों में मौत के मामले। रुपए में गिरावट से महंगे होंगे मोबाइल और कार, कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ी। इंतजार खत्म, टोयोटा की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज देने जा रही है दस्तक, नितिन गडकरी करेंगे लॉन्च। लद्दाख में चीन सीमा के नजदीक विकसित किया जाएगा वायु सैनिक अड्डा, अन्य रणनीतिक परियोजनाओं को भी मंजूरी। खराब लाइफस्टाइल से बढ़ता है बीमारियों का खतरा, हार्ट अटैक का जोखिम सबसे ज्यादा। भारतीय रेलवे बनेगा पहियों का निर्यातक, प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी, मेक इन इंडिया पर जोर। पृथ्वी की ओर 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा विशाल एस्ट्रॉइड, बड़े खतरे से स्पेस साइंटिस्ट ने किया आगाह। नोएडा में 2024 से शुरू होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देरी हुई तो कंपनी भरेगी 10 लाख रुपए हर दिन जुर्माना। टिकटों के घमासान के बीच शिमला पहुंची सोनिया, चुनावी रणनीति पर चर्चा, प्रियंका भी मौजूद। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम बढ़ी है ईंधन की कीमतें, सरकार की कोशिश लोगों पर ना पड़े बोझ, हरदीप सिंह। मुफ्त बिजली से लेकर नौकरियों तक, जनता की उम्मीदों पर खड़ी उतरी पंजाब की भगवंत मान सरकार। भारतवंशी विज्ञानी ने कोविड का प्रसार रोकने वाली एंटी वायरल थेरेपी का किया विकास, TIP दिया नाम। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो अरहर और उड़द की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी, आगामी सीजन में कम उत्पादन से और बढ़ सकते हैं दाम। जी हाँ, पिछले कुछ सप्ताह में उड़द और अरहर दाल की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी हुई है। भारी बारिश के कारण दलहन फसल को नुकसान, कम पुराना स्टॉक और रकबे में कमी के कारण आने वाले समय में दाम और बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर में अच्छी गुणवत्ता वाली अरहर दाल की कीमत पिछले 6 सप्ताह में 97 रुपए से बढ़कर 115 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा बुआई के आंकड़ों के अनुसार अरहर का रकबा 1 साल पहले की तुलना में 4.6% कम हो गया है, जबकि उड़द के रकबे में 2% की कमी दर्ज की गई है। प्रमुख अरहर उत्पादक क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण जल जमाव ने फसलों को काफी नुकसान पहुँचाया है, जिस कारण अरहर और उड़द की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंतजार खत्म, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं के 5 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट, फ्री इंटरनेट की सुविधा। जी हां, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट बांटी जाएगी, इसके लिए 5 लाख नए टैबलेट खरीदे गए हैं। टैबलेट के खरीद पर कुल 620 करोड़ रुपए का खर्च आया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ये टैबलेट बांटे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रतिदिन 2 GB डेटा के उपयोग से बच्चों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, आम आदमी को राहत, FMCG कंपनियों ने घटाया साबुनों के दाम। जी हां, बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल FMCG कंपनियों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने कच्चे माल की कीमतें घटने से साबुन के कुछ ब्रांड के दामों में 15% तक की कटौती की है। HUL ने लाइफबॉय और लक्स ब्रांड के तहत
वेस्टर्न रीजन में की जाने वाली अपनी पेशकशों में 5-11% की कटौती की है। वहीं गोदरेज ग्रुप की कंपनी GCPL ने साबुन के दाम 13-15% घटाए हैं। एनालिस्ट का कहना है कि दामों में कटौती से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बिक्री में वृद्धि होगी, खासकर जब उच्च मुद्रा स्फीति की वजह से कुल मांग कमजोर है। उन्होंने कहा कि दाम घटाने के पीछे पाम तेल और अन्य कच्ची सामग्री की वैश्विक कीमतों में कमी आना प्रमुख कारण है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट TU-160। दुश्मन चीन पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। जी हां, रूस के डिफेंस मिसाइल सिस्टम IS-400 के सेना में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना अब रूस से महाविनाशक खतरनाक बॉम्बर जेटर खरीदने जा रही है। खास बात यह है कि यह चर्चा ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन जंग और रूसी IS-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रिश्तों में तल्खी आई है। भारतीय वायुसेना के पास अभी तक कोई भी बॉम्बर जेट नहीं है, और अगर यह जेट देश को मिलता है तो यह सबसे पहला होगा। TU-160 बॉम्बर जेट एक हाइपरसोनिक गाइडेड वेपन है। इसे टॉप लोब TU-160 कहा जाता है। नाटो ने इसे ब्लैक जेक नाम दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये एक सुपरसोनिक जेट है। दरअसल किसी देश की वायुसेना में बॉम्बर वह एयरक्राफ्ट होते हैं जो दुश्मन के इलाके में चुपचाप बम गिरा करके वापस आ जाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।